ज्ञानी गौरति से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तत्र कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवी प्रिया ऐ केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतरी नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रभुष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सिद्ध श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रभुष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्री सन्यासी ठाकुर जी जो पहले मायावादी संप्रदाय में थे, लेकिन वो कहते हैं अपना अनुभूति का बात, मैंने जीवन में अपना सारे आश्रम को मैंने स्वीकार किया, मतलब उनको जो आश्रम है कुटीचक बहुध हंस परमहंस जो उनका जो आश्रम में जो स्टेज होता है, क्योंकि ये सारे स्टेज को मैंने पार किया है और जितने शास्त्र ग्रंथ आदि मैंने अध्ययन किया है अपना तब सब कुछ अपना जीवन में हमने किया है, लेकिन मेरे को वो शांति नहीं मिली जो शांति हमें मिलनी चाहिए। लेकिन एक दिन हमने देखा एक साधु को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नाम लेते हुए आँखों से आंसू बहाते हुए और प्रेम में डगमगाते हुए जिनकी प्यार भी इधर उधर हैं स्खलित अवस्था में गिर रहा था और कृष्ण प्रेम में तरवत भरते हुए जब मैंने वो रूप को देखा दर्शन करते ही मेरे हृदय में एक अद्भुत आनंद का प्राप्त हुआ जो आनंद मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए उसी समय में अपना पद मर्यादा में अरे इतनी बड़ी मैं सन्यासी हैं, मैंने सारे आश्रमों को पार किया, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलिविदम ब्रह्मम प्रज्ञानाम ब्रह्मम को जो महावाक्य को मैंने उसको भी महावाक्य को मैंने भी अवलंबन करते मैं वही ब्रह्म हूँ, सभी ब्रह्म हैं, तुम वही हो हैं, लेकिन जो वेद का जो मंत्र है लेकिन इन लोगों ने उसका आंशिक शब्द लिया, पूरी शब्द उन्होंने ग्रहण नहीं किया, लेकिन अब उसको उल्टा अर्थ भी ग्रहण करते हैं। कद अहम ब्रह्मास्मि कद मैं वही ब्रह्म हूँ, लेकिन वैष्णव लोग उसको क्या कहते अहम ब्रह्मम अस्मि हम उनकी संतान हैं, हम उनकी दास हैं, लेकिन मेरे को वह आनंद नहीं मिला। मैंने उसी समय में मैंने क्या किया उसको बाद में मैंने ढूंढा वो साधु को, लेकिन वो साधु मिले नहीं। फिर मैंने क्या किया ढूंढते ढूंढते श्री नवद्वीप धाम में आया हूँ, आकर के आपका नाम श्रवण किया, नाम श्रवण करते हुए मैंने आपको मिलने के लिए आया हूँ, इसलिए आप कृपा करके अपना चरण में हमें स्थान दे करके मेरे जीवन को आप कृपा कृपा करो, मेरे जीवन को आप धन्याति धन्य करो। हाँ इसलिए तब उन्होंने लेकिन
वैष्णव लोग तो बड़े दयालु होते हैं, बड़े दीनहीन होते हैं, हैं इसलिए, लेकिन उन्होंने बताए तुम्हारी अहोभाग्य है, कम से कम थोड़ी समय के लिए तो प्रभु हैं भगवान का स्मरण करते हुए तुम्हारी हृदय द्रवित हुआ, इसलिए कभी कभी आप भी जिस समय ये प्रेम का आस्वादन करो, कभी कभी ये दास को कभी थोड़ी थोड़ी याद करो, हैं इसको कभी कभी, ये वैष्णव का ये दीनता है। इसलिए ये कहते हुए बाबा जी ने सन्यासी को गले लगा लिया हैं और आंसू से तरबर कर दिया। जब इतने बोलते बोलते उन्होंने जो बाबा जी महाराज थे तो उन्होंने उनको अपना गले में लगाया और गले में लगाते हुए उनका आंसू से उनको मानो उनको तरबर कर दिया। इतने में वैष्णव का अंग स्पर्श प्राप्त करके, वैष्णव का अंग स्पर्श का कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि वैष्णव का जो शरीर है वो साधारण शरीर नहीं है, संपूर्ण कृष्णमय प्रेम जिनके शरीर में ठाकुर जी स्वयं विद्यमान है, हैं ठाकुर जी वैष्णव हृदय सदा गोविंद मिश्रा, वैष्णव का हृदय में हर समय भगवान का निवास होता है। वैष्णव को स्पर्श करना साधारण कोई बात नहीं, जब उन्होंने उनको शरीर को उन्हें स्पर्श किया उनके हृदय में, सन्यासी ठाकुर का हृदय में एक दिव्य आनंद आया जो आनंद को हम वर्णना नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो भी रोते रोते नृत्य करने लग गए। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री बाबाजी महाराज भी उन्होंने रो रो कर नृत्य करने लगे और उन्होंने एक शब्द को बोला, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय प्रेम दास गुरु जय भजन आनंद। इसलिए इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का और उनका गुरु जी का नाम को ले करके उन्होंने बड़े सुंदर उन्होंने ये कीर्तन को किया। बोले बहुत देर तक नृत्य कीर्तन उपरांत स्थिर होकर दोनों ने परस्पर बहुत सी बात की। थोड़ी समय तो कृष्ण कीर्तन नाम को लेकर के नृत्य किया, उसके बाद में दोनों बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे हैं। कहते प्रेमदास बाबा जी ने विनीत भाव से कहा, महात्मा आप इसी प्रद्युम्न कुंज में कुछ दिन रह करके मुझे पवित्र करो। जिस कुंज में वो रहते थे उसका नाम क्या था? प्रद्युम्न कुंज। तब श्री बाबा जी महाराज कह रहे आप कुछ दिन यहाँ पर रुको, रुक करके मेरे जीवन को धन्य करो। लेकिन वो सन्यासी क्या कह रहे? सन्यासी ने कहा मैंने आपके चरणों में अपना यह शरीर समर्पण कर दिया है। कहता आप कह रहे हो कुछ दिन रह करके मेरे जीवन को धन्य नहीं, मैं तो संपूर्ण रूप में ये शरीर ही आपका चरण में समर्पण कर दिया है। कुछ दिन की बात क्यों कह रहे हो? अपने देह त्याग तक आपकी सेवा कर सकूं यह मेरी आकांक्षा है। मैं चाहता हूं जब तक ये शरीर रहे तब तक आपका सर चरण में रह करके संपूर्ण ये जीवन को बिता दूं, मेरे मन में यही आशा है। इसका तात्पर्य क्या है? इसलिए यहाँ तात्पर्य कहते जब कोई एक व्यक्ति अपना गुरु जी की शरण में आते हैं क्या करते हैं? वो संपूर्ण अपना जीवन को ही गुरु जी की शरण में दे देते हैं, हैं? वो उसी समय जैसे कि गैया को बेच देने पर फिर गैया अपना नहीं रह जाता है, वो मालिक जो चाहता है वो गैया को बेच करवाता है। इसलिए जब हम गुरु जी की शरण में आते हैं अपना कोई स्वतंत्रता अपना नहीं रहनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए, हैं गुरु जी हम ये चाहते हैं, गुरु जी हम ये चाहते, ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब गुरु जी की शरण में आ गए अभी गुरु जी जैसे चलाएंगे हमको वैसे ही चलनी चाहिए, अपना कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, सब इच्छा गुरु जी की इच्छा में ही सब इच्छा को उसमें मिला देनी चाहिए। इसलिए कहते संपूर्ण जीवन ही आपका शरण में हम रह कर के जीवन को हम व्यतीत करना चाहते हैं। इसलिए सन्यास ठाकुर सब शास्त्र को पंडित थे, सन्यास ठाकुर जी समस्त शास्त्र को उन्होंने पहले पढ़ चुके थे, इसलिए उनको ये था, वो जानते थे गुरुकुल में रह करके गुरु का उपदेश ग्रहण करना होता है और अच्छी तरह से जानते थे ये बात को, अतएव आनंद से उससे कुंज में रहने लगे। उनको ये पता था गुरुकुल में आकर के ब्रह्मचारियों को क्या करनी चाहिए, उनकी आश्रम में रह करके अपना जीवन को गुरु जी से शिक्षाओं को प्राप्त करते हुए अपना जीवन को धन्य करनी चाहिए, चीज उनको पता ही था हैं। गुरु आश्रम में रह करके हमें गुरु जी की सेवा करते हुए अपना जीवन को प्रेममय बनाए, उनको ये बात पहले से ही पता है, जानते थे।
अभी उन्होंने गुरु जी को श्री चरण में रहने लगे। जब रहने लगे कुछ दिन प्रताप परमहंस बाबा जी ने सन्यासी महोदय से कहा, महात्मन प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने कृपा करके मुझे चरण में स्थान दिया है। तब बाबा जी महाराज कह रहे हैं सन्यासी को, बोले देखो, कहते हैं ये जो स्थान है ये प्रद्युम्न ब्रह्मचारी मेरे जो गुरुपाद पद्म हैं उन्होंने कृपा करके यहाँ पर उन्होंने हमें स्थान प्रदान की है। अब वो अभी नवद्वीप मंडल के एक प्रांत में श्री देवपल्ली ग्राम में श्री नृसिंह देव की उपासना में मग्न है, लेकिन जो मेरे जो गुरुपाद पद्म अभी कहाँ रह रहे हैं, कहते हैं देवपल्ली। देवपल्ली मतलब कहते नरसिंह गए नहीं कि नहीं, हाँ नरसिंहपल्ली, उसको देवपल्ली कहते। देवपल्ली इसलिए कहते हैं जिस समय नरसिंह देव ने उन्होंने वध किया हिरण्यकश्यप को, वध करने के बाद वो जो तालाब देखते हैं ना, वो तालाब में उन्होंने हाथ को उन्होंने धोया था, और हाथ को धो करके वो जो नृसिंह देव है देखते हैं वहीं पर उन्होंने विश्राम किया। जब उन्होंने नृसिंह देव विश्राम किया उसी समय उनका बड़ा भयंकर रूप था, विकराल रूप था, भयंकर रूप था। उसी समय में सारे देवता लोग उनको उग्र जो भाव था उनको शांत करने के लिए समस्त देवता लोग वहीं पर आए और आकर के भगवान को उन्होंने नृसिंह देव को स्तुति किया है। इसलिए वो स्थान देवपल्ली, मतलब जहाँ पर देवता लोग का निवास, जहाँ पर देवता लोग आकर के वहीं निवास करते हुए आकर के भगवान को स्तुति स्तव किया था, कहते तो देवपल्ली है। कहते अभी श्री देवपल्ली में है, कहते वहाँ पर भगवान श्री नरसिंह देव है देवपल्ली में, अभी वहीं पर हमारे गुरुदेव वहीं पर रह करके ठाकुर का भजन साधन करते हैं, नरसिंह देव को पूजा भी करते हैं। चलिए आज श्री माधुपुरी समाप्त कर उनके चरण में दर्शन करें, माधुपुरी को बाद में चलो हैं, हम लोग गुरु जी को आज दर्शन करके आए। तो उन्होंने गुरु जी को दर्शन करने के लिए आए, तब सन्यास ठाकुर ने कहा गुरुदेव आप जैसे आज्ञा करेंगे आपको मैं आज्ञा को मैं पालन जरूर करूँगा। तो उन्होंने गुरु जी का आज्ञा पालन करते हुए दोनों दो बजे का बाद, जैसे दोपहर में जैसे प्रसाद हम लोग पा लेते हैं, प्रसाद पाने का बाद दोनों अलकानंदा पार करके नरसिंहपल्ली गए नहीं, नवद्वीप परिक्रमा किए हो, कौन कौन किए हो नवद्वीप परिक्रमा, वहाँ पर गंगा है ना, गंगा को उस पर पार करते हैं, गंगा पार करते हुए हैं, गंगा पार करते हुए जाना पड़ता है। अभी उन्होंने पार करते हुए कहाँ पर पहुँचे, श्री देवपल्ली में पहुँचे। जब देव पर पहुँचे वहाँ पर उस समय होगा जिस समय ये बात करें, इसलिए वहाँ पर कभी सूर्य टीला पार कर नृसिंह देव के मंदिर में उन्होंने भगवत पार्षद प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के चरण में दर्शन किया। तो वहाँ पर एक नृसिंह देव का मंदिर में उन्होंने वहाँ पर एक सूर्य टीला है कहते उसको पार करते हुए वहाँ पर गुरु जी के पास में वहाँ पर पहुँचे। जब पहुँचे इतने में दूसरे परमहंस बाबा जी ने पृथ्वी पर गिरकर गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं जब श्री एक शिष्य गुरु जी के पास में जाते हैं तब शिष्य का क्या कर्तव्य, इसलिए उन्होंने गुरु जी को उन्होंने साष्टांग उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कहते ब्रह्मचार्य जी ने भक्त वात्सल्य सत्य आद्र होकर के श्री मंदिर के बाहर आकर परमहंस बाबा जी को दोनों हाथ से उठाकर प्रेमालिंगन किया। जब उन्होंने देखा बाबा जी महाराज प्रणाम किया, गुरुदेव कुंज को अंदर में बैठ करके भजन कर रहे थे, जब देखा शिष्य आए तो गुरुदेव भी आकर के उनको जो प्रणाम कर रहे थे वहाँ से उठा करके उनको प्रेम आलिंगन उनको प्रदान किया। करते हुए उनको पूछा बेटा तुम ठीक ठाक हो ना, तुम्हारी कुशल है ना, भजन ठीक ठाक है ना। इसलिए जब साधु एक साधु के दर्शन करते हैं कहते उस समय किस चीज़ की प्रश्न करते हैं, तुम्हारी भजन साधन कैसे होगी नहीं है, ये चीज़ प्रश्न करते हैं। एक साधु एक दूसरे से कभी दुनियादारी का कोई बात पूछते नहीं, क्या पूछते हैं, भजन साधन ठीक से हरे हरि नाम ठीक से कर रहे हो हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हो, भक्ति ठीक से कर रहे हो कि नहीं है। इसलिए बहुत देर तक
तो उनका अंदर में इष्ट गोष्ठी हुई। इष्ट गोष्ठी होने के बाद इष्ट गोष्ठी समझते हो, इष्ट गोष्ठी मतलब इष्ट मतलब भगवान, गोष्ठी मतलब जिस गोष्ठी में केवल भगवत संबंधी ही बात होती है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जो मेरे भक्त का लक्षण क्या है, कत मत कथा मत गता चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कहती है मेरे भक्तों का यही जीवन है, मत कथा, कत मेरी कथाओं को छोड़ करके दुनिया की कोई बात नहीं करती। मत गत चिंता, कहते वो चिंतन क्या करते हैं, कहते मत गत केवल मेरे को ही वो चिंतन करते हैं। बधयन्ते परस्परम, जब आपस आपस में चर्चा करते किस चीज़ की, भगवत चर्चा करते हैं। कोई ईंट पत्थर दुनियादारी की कोई बात वहाँ है, नमक हल्दी की बात वहाँ नहीं होती है, वहाँ पर भगवान की दिव्य चर्चा होते हैं। बोले तुष्यन्ति च रमन्ति च, यही ही उनका जीवन का ही यही एक आनंद है, और उसी में ही मेरे में ही वो रमते रहते हैं, हैं? इसलिए बड़े देर तक आपस आपस में इष्ट गोष्ठी हुई हो करके उन्होंने तब श्री जो बाबा जी महाराज थे उन्होंने सन्यास का परिचय दिया। पहले जो सुनकर आया था पहले से कैसे ये वाराणसी में पहले कैसे रहा करते थे, लेकिन सारे आश्रम कैसे पार किया, सारे ग्रंथ शास्त्र पढ़ करके उनको अंतिम जो शांति आत्मा को मिलना चाहिए था वो शांति उनको मिली नहीं है। कद शांति क्यों नहीं मिली, शांति उनको क्यों नहीं मिली, इसलिए कहते वो जो मार्ग को अपनाए थे वो शंकराचार्य को मार्ग है, मतलब उनको ब्रह्मवादी, कहते हम वही ब्रह्म हैं। एक दिन ब्रह्म को चिंतन करते 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 एक दिन ब्रह्म में ही हम डूब जाएंगे, उसमें भी एक आनंद है, ऐसे नहीं उसमें एक आनंद है, लेकिन ये भक्ति में जो आनंद है, इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नहितार एक बिंदु। तो कृष्ण प्रेम आनंद में जो समुद्र है कद करोड़ ब्रह्मानंद मिल करके भी उसका बूंद के बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उसको तो अपनाया, लेकिन कृष्ण गीता में कहते बोले गीता में कहते हैं तेसाम अव्यक्त चितनाम अव्यक्तम ही गतिर दुख। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे जो निराकार निर्विशेष स्वरूप को जो लोग चिंतन करते हैं बोले अव्यक्तम ही गतिर दुखम, कहते सुख नहीं मिलता है उनको, दुख मिलता है। जैसे एक पत्थर है ना, जैसे सेन सेन होकर पड़े रहते, जैसे कि शराब पिए हैं, जैसे माल पीता है शराब पी करके बेहोश होकर पड़े है तो रहते हैं, उनका यही स्थिति है। वो ब्रह्म में जो वो मिल जाते हैं साजु जो जब मिल जाते हैं मिल करके जैसे एकत्र हो जाते हैं हैं। जैसे उदाहरण दिया जैसे कि चींटी जैसे गुड़ खाने के लिए गया, वो गुड़ पतला पतला गुड़ है, एक चींटी गुड़ का आस्वादन कब करेगा, जब उससे अलग रहे। अगर वो चींटी गया और जा करके गुड़ में खाने के लिए गया उसमें पूरा लपट गया, फिर गुड़ का आस्वादन कर पाएगा, लेकिन गुड़ का आस्वादन कब कब करेगा, जब गुड़ से वो अलग रहेगा तब भी, नहीं तो मिल गया तो आस्वादन कहाँ करेगा। उसी तरह जीव तब भी वो प्रेमानंद का आस्वादन कर सकते हैं जब भगवान से अलग हो। अगर उसमें मिल गया, जो मतलब है मिल गया अगर तो बस गया, उसके बाद अस्तित्व ही खत्म हो गया जीव का। इसलिए जो प्रेमानंद को आस्वादन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहते वो आनंद हमें नहीं मिला। तो उन्होंने पूरी उनके जीवन की बाबा जी महाराज ने उनको सुनाया, ये इनका जीवन ही है। इसलिए ब्रह्मचारी जिन्हें सादर कहा वत्स, तुमने जथा योग्य गुरु पाया, प्रेम दास के निकट प्रेम विवर्त की शिक्षा प्राप्त करना। तो उन्होंने प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने कहा बेटा तुमने जिस बाबा जी महाराज के पास में आए हो सही जगह पर तुमने पहुँचा है, सही साधु के पास में तुमने पहुँच गया है। इसलिए तुम क्या करो, इनसे जो प्रेम विवर्त किसका ग्रंथ है बोलो, किसका ग्रंथ था प्रेम विवर्त, श्री जगदानंद पंडित। कहते जगदानंद पंडित कौन है कृष्ण लीला में, कहते ये सत्यभामा है। कहते ये सत्यभामा कौन है,
भले राधा जी की प्रकाश है, जैसे उनका जो जैसे रुक्मिणी है वो चंद्रावली का प्रकाश है, कहते श्री सत्यभामा किसकी है, राधा जी की प्रकाश में है, हैं। इसलिए राधा रानी जैसे मान करती, सत्यभामा भी मान करती कृष्ण लीला में। पूरी गई कि नहीं तुम लोगों ने, गए हो पूरी? वहाँ पर हमारे जो जगदानंद पंडित जी का स्थान देखा कि नहीं, हमारे गुरु जी के मठ के पास में जो तेल, हाँ, सातासन रोड में जो महाप्रभु के लिए मटकी में तेल लेकर के आए थे, कहाँ से, बंगाल से, सर पर रख करके चल चल करके महीना तक सर पर रख करके लेकर के आए थे। और इन्होंने दिया किसको, गोविंद को, महाप्रभु को बोलना, महाप्रभु दिन रात कृष्ण प्रेम रोते रहते हैं, पहले उनके सर पर तेल लगाएंगे, तो ये ब्राह्मी तेल है, महाप्रभु का सर लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें महाप्रभु का ठंडा रहेगा शरीर, लेकिन वो तेल में खुशबूदार तेल है, महाप्रभु तो सन्यासी हैं, महाप्रभु तो सन्यासी का जीवन आचरण कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु ने कहा ये तेल को श्री जगन्नाथ जी की सेवा में दे देना, जगन्नाथ जी को जो दिया जलता है सामने, ये तेल जगन्नाथ जी की दिया में चलेगा, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो चाहते हैं हर चीज़ जैसे ठाकुर जी के ही सेवा में लगे। जैसे कोई व्यक्ति कोई हमें सामान दिया, वो सामान का सार्थकता कब है, जब वे चीज़ ठाकुर को सेवा में लग जाए, तभी देने वाले का भी दिया हुआ वस्तु भी सार्थकता हो जाती है। अगर उसको हम अपना सेवा में लगा दिया, अगर ठाकुर को सेवा में नहीं लगाया, फिर उसका दिया हुआ वस्तु की सार्थकता नहीं होता है। इसलिए बोले इसको इतना दूर से लाए और उनको जगन्नाथ जी की दिया जलाने में लगा दो। बोले महाप्रभु फिर क्यों नहीं लगाए, कहते महाप्रभु सन्यासी, महाप्रभु सन्यासी है, और जो तेल था वो सुगंधी तेल है, उसमें खुशबू आता था। महाप्रभु बोले अगर वो तेल को मैं लगाऊँ, मेरा अगर चलता हूँ लोग खुशबू आएगा, कोई कोई लोग कहते हैं ना सेंट लगाते हैं शरीर में, खुशबूदार तेल लगाते हैं, लगाते मेरे को दूसरों को खुशबू आए, आनंद आए, लेकिन लोग को बोले कैसे दारी सन्यासी है, हैं, ये कैसे सन्यासी है जो सन्यासी खुशबूदार तेल लगाते हैं, इसलिए लोग हमारी निंदा करेंगे, लोग हमें बुराई करेंगे, ये कैसे सन्यासी है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना साधु पावा बड़ कष्ट जीवे रे जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आयला ने दिया। उन्होंने देखा कलयुग में साधु मिलना बड़ा कठिन है, कलयुग में जो कलयुग है ना, इसलिए कृष्ण स्वयं एक साधु का बेस लेकर के उन्होंने आए, और आ करके अपना जीवन में उन्होंने चरित्र को, आदर्श चरित्र को दिखाते हुए उन्होंने स्वयं आदर्श चरित्र को दिखाया। एक सन्यासी अगर हो, एक साधु हो, तो साधुओं का कैसे कैसे उनकी चरित्र और उनकी हैं व्यवहार कैसे होनी चाहिए, भगवान स्वयं अपना जीवन में उतार करके कृष्णा अपना जीवन में उन्हें दिखाया है, हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रेम विवर्त ग्रंथ है किसका, जैसे जगदानंद पंडित का, जगदानंद पंडित कौन है, सत्यभामा है, इसलिए उनका ये ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, इसलिए जिसका नाम प्रेम विवर्त है, कहते उसमें एक प्यार है, देखो प्यार कितना सुंदर, बोले कि बा विप्र के बनासी शूद्र के नए जय कृष्ण तत्वता सही गुरु है। इसमें कह रहे हैं भले ही कोई ब्राह्मण क्यों नहीं हो, भले ही कोई सन्यासी क्यों नहीं हो, भले ही कोई शूद्र क्यों नहीं हो, कहते जय कृष्ण तत्वता सही गुरु है, जो कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु है। इसमें कहते ना जात पात पूछना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई, हरि भजन में कोई जात पात का कोई विचार नहीं, अरे हमको जात का, ये हमको जात का, हमको जात का, इसमें कोई जात पात का कोई विचार नहीं रहता। राम के सारे भक्तों को देखो, हनुमान जी बंदर कपी बोले, हनुमान जी खुद कहते सबरे अगर कोई उठे मेरे मुंह मेरा नाम ले लेना जिंदगी भर, इसको सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा, उसको भजन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं राम का भक्त हूँ, देखो सारा दुनिया सवेरे उठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी को दर्शन प्रणाम करते, बोले क्यों, बोले केवल मैंने प्रभु का शरण में आया। सवेरे का देखो झूठा बेर का, गिरिध को देखो हैं, गरुड़ जी को देखो गिरिध है, कौआ को देखो जातियों में चंडाल सबसे, लेकिन प्रभु का राम की कथा सुनाता हूँ। इसलिए यहाँ पर कह रहे जो कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु है,
इसमें भगवान की भक्ति में कोई जात पात का कोई विचार नहीं। इसलिए कहते सन्यासी ठाकुर ने भी विनित भाव से परम गुरु के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा, प्रभु आप तो चैतन्य देव पार्षद है, आपकी कृपा कटाक्ष में मेरे जैसे सबकर अभिमान सन्यासी पवित्र हो सकते हैं, आप हमें कृपा करो। इसलिए सन्यास ठाकुर जी ने उनका गुरुदेव का जो गुरुदेव क्या लगे परम गुरुदेव हैं, जो परम गुरुदेव के चरण में उनने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया करके कहते, आप कौन हो, आप तो कोई साधारण नहीं, आप तो श्री चैतन्य महाप्रभु का परिकर हो, पार्षद हो, आपकी कृपा होने पर मेरे जैसे सौकड़ हैं हजार हजार मेरे जैसे अभिमानी जो सन्यासी को आप पवित्र कर सकते हो। इसलिए महाप्रभु को भक्त के लिए बताए, बोले महाप्रभु का भक्त कैसे हैं, बोले ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे धन्य, एक एक भक्त में इतनी शक्ति है एक एक ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते हैं, एक एक ब्रह्मांड को, एक ब्रह्मांड कितना भूर भूव मोह जन तप सत्य अतल वितल तलातल सुतल तलातल पाताल, ये 14 ब्रह्मांड को कहते तो महाप्रभु का भक्त में इतने शक्ति है, एक एक ब्रह्मांड को तो आप उद्धार कर सकते हो, हैं उद्धार कर सकते हो। कहते सन्यासी ठाकुर ने भक्त गोष्ठी के परस्पर व्यवहार को इससे पहले सीखे नहीं था। कहते हैं जो सन्यासी थे, जैसे जब गुरु जी को साथ में उनको गुरु जी का साक्षात्कार होता है, एक वैष्णव को साथ में कैसे व्यवहार करनी चाहिए, जब एक साधु गुरु जी शिष्यों को साथ में मिले उनको साथ में इनकी व्यवहार कैसे होता है, हैं उन्होंने पहले ये सब सीखा नहीं। पहले क्यों नहीं सीखा, पहले तो उतने मायावादी ब्रह्मवाद में था ना, हैं उनमें तो साष्टांग प्रणाम करते ही नहीं, लेकिन वैष्णव जगत में ही आप देखना, वैष्णव जगत में और दूसरे दूसरे संप्रदाय में हमारे जो महाप्रभु धारा में है ना, जो चीज़ आप दूसरे दूसरे धारा में इतना नहीं देखती हैं, जैसे हमारी देखो जितना बार होता है उतना बार साष्टांग पूरा पूरा ठाकुर के सामने प्रणाम करते, गुरु जी के चरण में साष्टांग एकदम पूरा पूरा शरणागति, ठाकुर जी साष्टांग प्रणाम किया, जो साष्टांग मतलब 8 अंगों को संपूर्ण रूप में ये पृथ्वी पर लगा करके गुरु जी के चरण में हम संपूर्ण ठाकुर जी के चरण में हम संपूर्ण शरणागति हैं। इसलिए ये सब चीज़ सही सब जगह पर ये सब चीज़ नहीं मिलती हैं, हैं कहीं साधु साधु मिलेगा बाबा दंडवत ये इतना कर देंगे, हैं इतना कर देंगे, लेकिन एक गुरु जी साष्टांग शिष्य गुरु जी के चरण में शिष्य और ठाकुर का चरण में सहज नहीं मिलता। और हमारे संप्रदाय में जैसे ठाकुर का नृत्य कीर्तन है, हैं जैसे मृदंग करताल को लेकर के महाप्रभु को हर समय देखोगे, हाथ उठा करके महाप्रभु नृत्य करते हुए पोज में देखोगे, हाथ उठा करके भगवान के सामने नृत्य कीर्तन करते हैं, ठाकुर को रिझाने के लिए, ठाकुर जी को खुश करने के लिए, अपना खुश के लिए नहीं। इसलिए हमारे पुराण में बताए जो व्यक्ति ठाकुर के सामने नृत्य कीर्तन करता है, ठाकुर के सामने जो नृत्य कीर्तन करता है उनको शरीर को छोड़ने का बाद उसको भगवान का धाम में नित्य निवास होता है, उसको इसी जगत में भी और उसी जगत में दोनों जगत में उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति भगवत प्राप्ति उसको प्राप्त होता है। नृत्य कौन करता है, दुखी व्यक्ति नाच नहीं सकता है, दुखी व्यक्ति नाचेगा नहीं, एक सुखी व्यक्ति नृत्य कर सकता है, दुखी व्यक्ति नाच नहीं सकता है, सुखी व्यक्ति नृत्य करता है। इसलिए एक व्यक्ति कब नृत्य करता है, हृदय में इतने हृदय में आनंद हो, जब वो आनंद को अंदर में नहीं रख पाता है वो बाहर रूप में प्रकटित करता है। कृष्ण जैसे गोपियों के साथ में रास किया, नृत्य विद्या थे, नृत्य तो किया है ना ठाकुर के सामने, नृत्य तो किया। और हमारे एकादश स्कंद में कहते एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृता जातानुराग दुर्तचित उच्चैः हसत्यथ रोदति रौती। जब कृष्ण प्रेम उन्माद होकर के भक्त कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी जमीन पर कभी कभी वो लौट पोट उठाता है। इसलिए उन्होंने इसलिए कहते हैं उन्होंने कभी इस चीज़ को उन्होंने कभी देखा नहीं था, लेकिन जब आज देखा मेरे गुरुदेव उनको गुरु का प्रति कैसे सम्मान करते हैं, कैसे साष्टांग कैसे प्रणाम करते हैं, उनका व्यवहार कैसे उन्होंने देखा, देख करके यह चीज़ को उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। गुरु और परम गुरु में परस्पर जिस प्रकार का व्यवहार देखा
उसी को सदाचार जान करके अपने गुरु के प्रति निष्कपट रूप में उसी दीन से वैसाही व्यवहार करने लगे। जैसे देखा उनका गुरी उनको गुरु जी को कैसे व्यवहार, उसको देख करके उसी दिन से ही गुरु जी का वैसे व्यवहार करने लगे। संध्या के समय आर्त दर्शन कर दोनों गोदरूम लौट आए, शाम के समय में आर्त दर्शन किया और अपना गोदरूम में अपना आश्रम पर लौट करके आए। कुछ दिन इसी तरह से रहने के बाद सन्यासी ने परमहंस बाबा जी से तत्व जिज्ञासा करने का इच्छा की। जब कुछ दिन रह गए गुरु जी के पास में, कुछ दिन सेवा करके अभी कुछ तत्व जिज्ञासा करने के लिए चाहते हैं गुरु जी को कुछ प्रश्न करें। इसी बेस के अतिरिक्त और सब बात उन वैष्णव के जैसे ग्रहण कर लिया, जैसे उनको पहले आए थे सन्यासी वेश में, त्रिदंडी सन्यासी वेश में तो गुरु जी के पास में आए, लेकिन जब उन्होंने गुरु जी के पास में सारे व्यवहार को हरी कथा को सुन करके धीरे 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 उनका हृदय धीरे धीरे परिवर्तन हो गया, हृदय तो परिवर्तन हो गया लेकिन उसको जो ऊपर का जो बेस है अभी ठीक वैसे ही बेस है। समदम आदि गुण से संपन्न होकर संपूर्ण रूप में ब्रह्मनिष्ठा तो उन्होंने पहले ही प्राप्त कर ली थी। कहते ब्रह्मवादी में थे ना, मायावादी में था हैं, पहले सम और दम। समदम मतलब क्या है? कहते हैं सम मतलब होता है अंतर इंद्रियों को दमन करना, और दम मतलब होता है जो बाहर इंद्रियों को दमन करना। अंतर और बाहर दोनों इंद्रियों को तो कहते उन्होंने पहले थे सन्यासी में, ब्रह्मवादी में, उसमें तो ब्रह्मनिष्ठा में तो था, प्राप्त कर लिया था, लेकिन इसी समय उन्होंने निष्ठा के ऊपर परम ब्रह्म की जो चीत लीला निष्ठा भी उत्पन्न हो गई। पहले तो केवल ब्रह्मनिष्ठा थी, अभी केवल ब्रह्मनिष्ठा को साथ में अभी जो परम ब्रह्म की, जो भगवान कृष्ण की, उनका जो दिव्य लीला निष्ठा है, उनका जो प्रेम निष्ठा है, भक्ति निष्ठा भी उनका हृदय में, भक्ति निष्ठा भी उत्पन्न हुई होने पर साथ ही साथ दीन भाव से प्रबल हो उठा। और उनका हृदय में पहले तो बड़ा अहंकार था, अरे हम ऐसे हम सन्यासी है, लेकिन जब देखा वैष्णव वैष्णव व्यवहार देखा, कैसे दीनहीन भाव है, एक दूसरे को ऐसे प्रणाम करते हैं, हैं वैष्णव का व्यवहार को देख करके, और महाप्रभु का सिख्या है त्रिनादपि सुनिचे न तररपि सहिष्णुना, हर समय हमारी जो भावना हम वैष्णव का दासों का दासों का दासों का हम अनुदास हैं। इसलिए भक्त लोग कभी अपने आप को अभिमान नहीं करता, अरे हमने किया है, हम नहीं करते क्या हो जाता, नहीं कभी वैष्णव लोग ये बात नहीं करते। कहते नहीं, जो कुछ हुआ है ठाकुर का आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से सब चीज़ हुआ है, इसलिए सब चीज़ को आकर स्थान स्थापन करते हैं। मतलब जो कुछ हुआ है हमारे द्वारा, हमने नहीं किया, हाँ मैं, इसलिए बकरी मैं करता है इसलिए मरता है, इसलिए वैष्णव लोग मैं नहीं करते हैं, हाँ जो कुछ हुआ ठाकुर का आशीर्वाद से, गुरु वैष्णव की कृपा से ही ये सारे काम, ठाकुर का आशीर्वाद से, गुरु जी की आशीर्वाद से ही ये सब चीज़ हुआ। इसलिए उनका हृदय में जो दीन का जो भावना है, सारे अहंकार खत्म होकर के बड़ा दीनहीन भाव आ गया, क्योंकि जैसे भक्तों के साथ में रहते हैं ना, वो संग से वैसे ही प्राप्त होता है। इसलिए एक दिन अरुणोदय के समय परमहंस बाबा जी पवित्र होकर के तुलसी माला पर हरिनाम संख्या करते करते माधवी मालपुर में बैठे थे। यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं वैष्णव का आचरण कैसे होनी चाहिए, वो करते हैं क्या। बोले एक दिन का बाद जिस समय सूर्य उदय हो रहा था, ठीक सूर्य उदय हो रहे थे, सूर्य उदय होते समय परमहंस बाबा जी महाराज अपने स्नान करके, पहले वैष्णव लोग स्नान सवेरे स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद सबसे पहला कर्तव्य है तिलक। द्वादश अंग में एक ऐसे एक केवल तिलक लगा दिया, नहीं एक तिलक नहीं, 12 अंग में तिलक लगानी चाहिए। और उसमें कहते, इसलिए कहते ना, ललाट के सवाय नम उदर नारायण बख्य माधव कंठ गोविंद दक्षिण पार से विष्णव दक्षिण मधुसूदन, इसलिए 12 अंग में ये तिलक सबसे पहले वैष्णव का यही धर्म है, जब तक तिलक नहीं लगाएगा। इसलिए हमारे हरिभक्त विलास में बताए, तिलक लगाए बगैर अगर कोई भक्ति का अनुष्ठान करेगा नहीं होगा। इसलिए कोई एक स्टूडेंट बगैर तिलक के क्लास में आ गए, वहाँ पर बैठने नहीं दी, बोले तुमने गुरु मंत्र जब नहीं किया, तिलक तुमने नहीं लगे, जाओ घर में, जाओ घर में जाकर तिलक लगा कर क्या करो। तो वहाँ पर उन्हें टीका में बताए, महापुरुष सब चीज़ शिक्षा क्यों दिया, ये तिलक क्या क्या महत्व है। इसलिए द्वादश अंग में वैष्णव लोग हम 12 जगह पर तिलक लगाते हैं, 12 जगह पर तिलक लगाते हैं,
इसलिए 12 जगह पर तिलक लगानी चाहिए। उन्होंने अपना सवेरे का तिलक लगा करके और अपना जो माला में है तुलसी माला में हरिनाम संख्या करते करते माधव मंडप में बैठे हुए थे। बैठते समय उसी समय में क्या उनको लीला स्फूर्ति हो रही थी, देखो कितने पवित्र है। हम लोग तो कभी एक दो माला किया और मन नहीं लग रहा, कब उठे हैं, उठो हैं, चिट्ठी काटने लग जाती है। बोले नहीं, लेकिन वैष्णव लोग जो भजन करते थे बस एक जगह पर बैठ करके मस्त में मस्ती में एकदम, जैसे हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज पूरा एकदम सवेरे 2:30 बजे उठ जाएंगे, उठ करके पूरा मंगला पहले तक पूरा माला में एक जगह पर बैठ करके पुकार कर हरिनाम करते। इसलिए आप देखना, आप कभी कभी बहुत दिन तक भजन करते लेकिन कोई अनुभूति नहीं होती, क्योंकि एक में तो नाम निष्ठा है ही नहीं, हैं नाम निष्ठा है ही नहीं नाम में। जब इच्छा कर दिया थोड़ी माला रख दिया, बस माला को लटका कर रख दिया। इसलिए बोलते ना, इनका नियम क्या था, 2-2 लाख हरिनाम करते थे। कितना माला करते थे? 2 लाख हरिनाम करते थे। इसलिए 2-2 लाख हैं। इसलिए हमारी नाम निष्ठा सबसे पहले हम इसका आगे सुनेंगे। बोले कौन कितना बड़ा वैष्णव है उसका मापदंड क्या है। कहते ना जैसे दूध है उसमें कितना पानी और कितना दूध, उसको कैसे बैरोमीटर से पता चलता है। कहते उसी तरह कहते जो जितने निरपराध को साथ में जो जितना हरिनाम करता है उतना बड़ा वैष्णव मापदंड है ये हरिनाम को करने। किसका कितने निष्ठा, ये हरिनाम में किसको कितने निष्ठा है हरिनाम में, उसको ऊपर में ही वैष्णवता के निर्भर करता है, हैं। इसलिए देखो वो क्या कर रहे हैं, उनका कैसे भजन है। इसलिए कहते वो हरिनाम करते समय कुंज भंग लीला की स्फूर्ति होने का कारण उनके नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रु धारा प्रभावित हो रही थी। माला करते 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 जब धीरे 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 माला करते करते हमारे सारे अनर्थ दूर होने लग जाएगा, हैं। हमारे जो अनर्थ 4 तरह का अनर्थ है, हैं। इसलिए जब ये 4 तरह का अनर्थ हृदय से सब खत्म हो जाएगी तभी ये चीज़ आएगी। उसको पहले ये लीला स्फूर्ति नहीं आएगा, ऐसे नहीं है अनर्थ ग्रस्त अवस्था में ये गोपी, हम ये मंजरी, हम ये सखी, हमारी ये सेवा, ये हमारी वस्त्र है। एक सहजिया संप्रदाय, वो सहजिया संप्रदाय में क्या करते हैं, वो आते ही है ना, अभी जिसको कुछ भी पता नहीं, श्रद्धा तो है ही नहीं, शास्त्रीय श्रद्धा जिसको कहते हैं, हैं श्रद्धा जो क्लास का, जो जैसे हम क्लास 1 में प्रवेश करते हैं ना, केजी, क्या बोल केजी बोलते हो, इसलिए क्लास 1, 2, 3, 4, 5 भक्ति जगत का सबसे पहला सोपान श्रद्धा है। उसके बाद में फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्त, धीरे 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 धीरे। श्रद्धा भी ऐसे श्रद्धा नहीं, श्रद्धा भी 2 तरह का है, कि लौकिक श्रद्धा है और एक शास्त्रीय श्रद्धा है। लौकिक श्रद्धा मतलब हाँ श्रद्धा होनी चाहिए गुरु वैष्णव भगवान के प्रति, हाँ ठीक से बैठ जा, बाद में विश्राम करूँगा, कथा में सुनी अच्छे तरह से बैठ जा। इसलिए एक होता है साधारण श्रद्धा है, एक होता है, ध्यान से सुनो बच्चों, एक होता है साधारण श्रद्धा है, लेकिन वो जो श्रद्धा है ना कभी कभी डगमगा जाती है, वो श्रद्धा कभी कभी हमारी डगमगा जाती है। थोड़ी सी कोई इधर उधर हो गया ना, बस गुरु वैष्णव भगवान को छोड़ने के लिए हम तैयारी हो जाते हैं, गुरु वैष्णव भगवान को भी एक तरफ रख देते हैं। बोले हम साधारण घर के आए, अगर गुरुदेव से डांट लगा दिया, कुछ कर दिया ना, बोले हम साधारण घर के, हमारे घर में खाना पीना नहीं मिलता था, मंदिर में आए, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, हम घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, हम जा गुरुदेव माला लो रखो और हम जा रहे, बस हो गया श्रद्धा प्रद्धा सब ऊपर चला गया श्रद्धा। हाँ इसलिए कहते ये श्रद्धा, और एक होता है ये लौकिक श्रद्धा, एक शास्त्रीय श्रद्धा है। जब इसको पक्का श्रद्धा हो जाए ना, हैं उस समय भले ही जीवन में जितने आपद विपद जीवन में जो कुछ भी आए सारा दुनिया छूटेगा, लेकिन गुरु वैष्णव भगवान नहीं छूटते हैं, भगवान गुरु वैष्णव नहीं छूटते हैं। अभी हमारी श्रद्धा का सब ही नहीं है, श्रद्धा की हमारी सब ही नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, ये तो पहले ABCD लिखना,
अभी ABCD तुम्हें लिखना सीखा नहीं और PhD का ग्रंथ लेकर तुम बैठ गए, हमको गोपी बन गए, हमको मंजरी बन गए, सखी और क्या क्या कभी कभी करते हैं, बस गोपी ड्रेस पहन लेते लड़का होकर के ना, लड़की का है पीला कपड़ा पहन करके सर के ऊपर में एक पीला कपड़ा से ओढ़ देते हैं, हैं पीला कपड़ा पहन करके और सर पर ओढ़ देते हैं, ओढ़ करके गुरु जी बोलते ये गोपी तू हो गई। अब दो दिन बाद में ना वो लड़के को तो लड़की जैसे बना दिया और जो वो गोपी बना दिया, फिर वो दूसरे गोपी को लेकर फिर रहना लग जाता। ये इसको ना इसलिए प्रभुपाद ने ये चीज़ को इतने घृणा किया, ये चीज़ को कहते उनको बोले भाई सहजिया। सहजिया मतलब क्या, जिस चीज़ को ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव, आप सुनते हैं ना उद्धव भी, उद्धव जैसे व्यक्ति घास बन करके तपस्या कर रहे हैं गोपी भाव को पाने के लिए, शंकर जो देव देव महादेव, जोगी जोगी महाजोगी, जो सत्यम शिवम सुंदरम, इन्होंने रास दर्शन करने के लिए ब्रह्म कुंड में स्नान किया शंकर जी हैं, फिर उनके ईशान कुंड में बैठाया जोग माया ने, लेकिन भगवान जब रास कर रहे थे बोले आज रास से कहीं आनंद नहीं मिल रहा, लगता कोई अनधिकारी व्यक्ति गोपियों ने ढूंढे भैया कौन आया है, देखते देखते देखा ईशान कुंड में एक नई गोपी बैठी हुई, उनसे पूछा भाई तेरे गाँव कहाँ है, तेरे सास का नाम क्या, ससुर का नाम क्या, तेरे खसम का नाम क्या, लेकिन वो तो गोपी नहीं, वो तो गोप है, वो शंकर जी, वो तो गोपी थे नहीं, वो शंकर गोपी बने हैं ना, वो तो शंकर जी गोपी बने हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए, समझ गए भैया यही है, फिर उनको चोटी पकड़ कर निकाल उनको, फिर हैं गुलचा मारने लगे, फिर उन्होंने जोग माया आए, फिर कृष्ण आए, बोले बोले ये क्या है, बोले प्रभु तेरी बंसी ध्वनि सुन करके मेरे मन में भी इच्छा हुई तेरे रास दर्शन करने, कौन देव देव महादेव, उनको उनको चोटी पकड़ कर निकाल दी, अरे हम कहाँ के कौन सा खेती के मूली है, अभी से कोई अनर्थ अनर्थ गया नहीं और एक गोपी का कपड़ा पहना देते हैं, इसको बहुत बुरे माने हैं, हैं इसको कहते सखी भेकी, हैं इसको कहते, इसको कहते सहजिया, सहजिया मतलब होता है वो जो दुर्लभ प्रेम है अभी उसको तुमने सहज बना दिया है, जिसको उद्धव जैसे ब्रह्मा जैसे व्यक्ति तरसते हैं जिसको पाने के लिए, अभी हृदय में काम क्रोध का दास बन करके तुम्हारे चुतर में लात मार रहा है, काम मारते उधर क्रोध मारते इधर, अभी तुमने गोपी ड्रेस पहन करके और तुम गोपी बन करके अब मटका मटक कर चल रहे हो, ये बहुत गंदा चीज़ है, हैं ये बहुत गंदी चीज़, वृंदावन में ऐसे कुछ संप्रदाय का लोग निकल गए, लड़कियों को हैं अभी आए जो लड़के लोग आए, लड़की लड़कों को भी ऐसे लड़कियों का जैसे कपड़ा पहना करके ना पीला कपड़ा पहना देते हैं, सर पर ढक देते हैं, हैं बोले तू गोपी बन गया है, ये सब गंदी चीज है, लेकिन हृदय से जब ये हृदय से जब अनर्थ तुम्हारे हृदय से नष्ट हो जाए, उसके बाद में रुचि निष्ठा आसक्ति, आसक्ति को समय में ये जीव का जो असली स्वरूप है वो थोड़ी से अंकुर होता है, फिर उसको फिर भाव अवस्था में वो कली रूप धारण करता है और जब प्रेमावस्था में फिर जाकर फूल खिलता है, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये माधुर जो कादम ने जो ग्रंथ बनाया जरूर आप उसको पढ़ा करो, उन्होंने अद्भुत रूप में उन्होंने कैसे उन्होंने धीरे धीरे एक जीव कैसे वो प्रेमावस्था कैसे प्राप्त करेगा, उन्होंने धीरे 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 उस चीज़ को उन्होंने वर्णना किया है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 कैसे एक जीव धीरे धीरे साधन भजन में, नहीं तो क्या होगा अनर्थ अवस्था में बस तुमने गोपी बन कर बैठ गए हैं, अपने आप गोपी मानने लग गए, इसलिए कहते ये बाबा जी महाराज जी कहते उन्होंने कौन सा लीला को दर्शन कर रहे थे, बोले कुंज भंग लीला, कुंज भंग लीला मतलब जब हृदय अनर्थ संपूर्ण मुक्त हो जाए, जब हृदय में प्रेमावस्था को आए, कैसे होगा हरिनाम करते करते, ये हरिनाम से सब कुछ होता है, हैं हरिनाम से नाम रूप गुण लीला जो कुछ ठाकुर जी के हरिनाम से होता है, इसलिए महाप्रभु कहते ना चेत दर्पण मार्जनम, ये हरिनाम करते करते तुम्हारी चित्तरूपी दर्पण हरिनाम करते करते ही मार्जित होगा, भव महादावाग्नि निर्वापनम, संसार का सार दुख जल जाएगा, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, जैसे चंद्रमा का किरण से फूल खिल जाती है, भगवान के नाम रूप जब किरण पड़ेगा तुम्हारे हृदय रूप फूल भी खिल जाएगा, हैं इसलिए उसको धीरे 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 वहाँ पर उन्होंने हैं महाप्रभु का शिक्षा में
सब चीज को उन्होंने धीरे 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 उन्होंने बताया। इसलिए एक दिन बाबा जी महाराज हरिनाम करते करते क्या देख रहे थे, कुंज भंग लीला। कुंज भंग लीला मतलब होता है, देखो चीज को समझो, जैसे राधा कृष्ण रात को विश्राम करते हैं, जब विश्राम करते हैं राधा कृष्ण विश्राम करते ही, अभी कृष्ण राधा रानी कहाँ रहती हैं, बोले जावट में कृष्ण रहते हैं नंदगांव में। अभी रात को आकर कुंज में राधा कृष्ण दोनों विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने पर उसी समय क्या होता है, जब अभी राधा रानी को जावट जाना, कृष्ण को नंदगांव में जाना है, इसलिए मंजरी सखियाँ क्या करती हैं सवेरे सवेरे, इसलिए प्रभुपाद कहते थे जो गौड़ीय मठ नहीं, कहते मैंने राधा रानी का जो निकुंज मंदिर को मैंने गोलक वृंदावन से यहाँ पर मैंने ये गौड़ीय मठ रूप में मैंने स्थापन किया, इसलिए गोलोक वृंदावन में जो जो लीला ठाकुर जी कर रहे हैं वही लीला ही यहीं पर प्रकाशित किया है। कहते ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये ट्रेनिंग सेंटर में जो जितने अच्छे तरह के ट्रेनिंग लेगा तब तो उसको नौकरी मिलेगा ना, अगर यहीं पर तुम ट्रेनिंग सेंटर में फेल नौकरी भोगी कहाँ तुम्हें मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते गौड़ीय मठ में ये ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे गोलोक वृंदावन में क्या होता है, वहाँ पर राधा कृष्ण निकुंज में शयन किए होते हैं, अभी सखी मंजरिया सवेरे सवेरे स्नान करती हैं, स्नान करके तिलक लगाती हैं, तिलक लगा करके फिर आकर के राधा कृष्ण सोए हुए होते हैं और उनको धीरे 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 उनको जगाते हैं, राधा कृष्ण को जगाते हैं। इसलिए हम जो भजन गाते हैं ना, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुरारी मंगल श्री राधा कृष्ण जोगल प्रीति मंगल निशांत लीला मंगल उदाहे मंगल आरती जागे भक्त हृदय। ये जो भजन गा रहे हैं ना, ये वही कैसे सुंदर कुसुमित सरोवर, कैसे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, जिनकी सुंदर सुंदर भीनी भीनी सुगंधी आ रही है, फूल के ऊपर कैसे भौरा मंडरा रहे हैं, हैं कैसे सुंदर बेली चमेली फूल खिल, ये भजन में सब गाए हैं। और सखी मंजरिया आकर के जो मृदंग और करताल कहते ना, झांझर कांसर कंठा शंख करताल, ये गोविंद लीलामृत ग्रंथ में और कृष्ण भवनामृत ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी और श्री विश्वनाथ कुठर सब वर्णना किया है, कैसे सखरी मंदिर कीर्तन करते करते राधा कृष्ण को कैसे प्रेम से जगाते हैं, कैसे धीरे धीरे राधा कृष्ण कैसे जगते हैं और जग करके उनको कैसे आरती उतारते हैं, सखी मंजरिया कैसे उनकी कपड़ा धारण कराती हैं, कैसे उनको भोजन कराती है, फिर राधा रानी चली जाती हैं जावट और कृष्ण नंदगांव चले जाते हैं। उसको कहते कुंज भंग लीला, कुंज अभी भंग हुआ, राधा कृष्ण कुंज में विश्राम कर रहे थे, अभी कैसे वो कुंज भंग हुई है। कहते उन्होंने हरिनाम करते करते, अभी ये चीज़ तो कभी कोई पढ़े ही नहीं सुने ही नहीं ग्रंथ को, इसलिए कैसे अरे सब ठाकुर जी शयन कर रहे हैं और इसी समय किया सो मृदंग करताल किया सो बजाना शुरू कर देते हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी सो रहे हैं कि मृदंग करताल। कहते उस समय राधा कृष्ण को, अभी कृष्ण को चले जाना, लोग उठने से पहले कृष्ण को नंदगांव में जाना और राधा रानी को जाना जावट जाना है, उसको पहले सबके सब उनको ठीक करके सखी मंजरिया उनको धीरे धीरे वहाँ से उनको धीरे धीरे ले जाते हैं। इसलिए जो शास्त्र में वर्णना की हुई है, शास्त्र में वर्णना की हुई है सबके सब शास्त्र में, इसलिए बाबा जी महाराज के हृदय में ये धीरे 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 वो कुंज लीला भंग उनके हृदय में स्फूर्ति हुआ है। उनने कैसे दिव्य हरिनाम करते करते दर्शन कर रहे हैं राधा कृष्ण, कैसे धीरे धीरे कैसे विश्राम कर करके उठ कैसे उठे, जब ये चीज़ हृदय में आएगी बस इतने प्रेम में डूब जाएंगे ना, अभी उसका आर्टिफिशियल रूप में चिंता करने का जरूरत नहीं, हरि नाम करते करते हृदय निर्मल होने पर ये लीला हृदय में अपने आप हमारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होगा, ये स्वाभाविक रूप में होनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इसने हमको बोले बोले महाराज जी महाराज जी वहाँ पर एक साधु रहते हैं, अगर वहाँ पर जाओ ना कृष्ण कहाँ पर बोल देते हैं, वो बोल देते हैं कृष्ण कहाँ पर। मैंने कहा भैया कृष्ण कहाँ पर उसको कैसे बताए, क्योंकि गोविंद लीलामृत ग्रंथ में वर्णना है, क्या वर्णना है, सवेरे राधा कृष्ण कैसे कैसे कुंज भंग हुआ, उसके बाद में कृष्ण सखाओं के साथ में कैसे गैया चरा निकले जाते हैं ठाकुर जी, और जब कभी कभी राधा कुंड में जाते हैं, कभी कभी सूर्य कुंड में जाते हैं, कभी कभी कुसुम सरोवर में जाते हैं, कैसे गोपियाँ फूल चयन करती हैं, कृष्ण को कैसे सुंदर माला पहनाते हैं,
कृष्ण कैसे सूर्य पूजा करके लड्डू ला कर सखा के साथ में बैठ करके कैसे भोजन करते हैं, वृंदा देवी कैसे आकर तो चंपक फूल देती हैं, सुंदर फूलों की माला कृष्ण को पहनाती हैं, पान की बिड़िया कैसे देती हैं कृष्ण को, राधा रानी की बनाया हुआ ये सब वर्णना किया हुआ है। वो अष्ट प्रहर में ठाकुर जी कहाँ 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 कैसे लीला करते हैं, बात उसको पढ़ करके उसी को चिंतन करते, बोले नहीं ये ये नहीं वो, और उसमें लिखा हुआ कृष्ण यहीं पर इस दोपहर में यहाँ पर शाम को वहाँ पर जो लिखा हुआ बोल देते नहीं, कहते हरिनाम करते करते हमारी गोस्वामियों ने इसलिए सब चीज़ को दिया साधो का हृदय में लोभ हो, ऐसे एक दिव्य लीला है, एक दिन ये लीला में भी हमारी प्रवेश हो सकता है, हम भी एक दिन लीला में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए गोस्वामियों ने लोभ हमें दिलाने के लिए उनने इस सब लीला को वर्णना किया है, हैं। लेकिन हरिनाम करते करते ये तो एक ही लीला को स्मरण करते हैं, लेकिन ये हरिनाम करते करते हृदय जब तुम्हारी अनर्थ से मुक्त हो जाएगी, एक लीला नहीं अनंत लीला यो अनंत कृष्ण की, रोज रोज कृष्ण अनंत कहते जिसको अनंत देव अनंत काल से अनंत लीला को वर्णना कर रहे हैं, अनंत देव अभी भी ठाकुर का लीला का अंत नहीं पाए, ठाकुर की इतने अनंत लीला है। लेकिन जो हमारे ग्रंथ में जो लिखा हुआ रामायण में राम की जो कथा व भागवत में कृष्ण कथा, केवल थोड़ी सी हिंट दिया गया कुछ नहीं, एक दिन का ठाकुर की इतना लीला है ना, अनंत देवी वर्णना नहीं कर सकते इतने लीला है। लेकिन एक दिन हरिनाम करते करते हमारे हृदय में नई नई लीला प्रकट हुआ, इसलिए गोस्वामियों ने इसे ग्रंथ रूप में प्रकाश करके हमारे लिए छोड़ कर गए, इसलिए उनको किया हुआ है उनकी कुंज भंग लीला होने पर नेत्र से प्रेम का अश्रु प्रवाहित तो हो रहा था, हैं हो रहा था अपने सिद्ध भाव में परिभावित तत्कालोचित सेवा में निजुक्त तो होकर हुए अपने स्थूल देह की स्मृति को खोलने लगे। अब जो बवज महाराज थे अपना एक सिद्ध देह है, सिद्ध देह समझती हो, हाँ ये चीज़ अच्छी तरह समझ लो, अभी हमारे हृदय में बोले नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकटम हृदय जाता, प्रत्येक जीव का हृदय में एक भाव विद्यमान है, दास्य रस कहो सख्य रस कहो बात्सल रस कहो और मधुर रस कहो, ये चार रस में कोई एक रस विद्यमान से जीव का हृदय में एक ही रस विद्यमान है, लेकिन अभी वो जो रस है वो छुपा हुआ है हमारे हृदय में, क्योंकि हमारे हृदय में अनर्थ से भरा पड़ा हुआ काम क्रोध अनर्थ से भरा पड़ा हुआ है, हैं इसलिए प्रकाशित नहीं। हरिनाम करते 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 धीरे 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 वो भाव प्रकाशित होते हैं, जब प्रकाशित होगा से गुरुपाद पद्म फिर उसका सिद्ध स्वरूप को बताते हैं, लेकिन कब बताएंगे, लेकिन उसकी अवस्था को देख करके साधक की अवस्था को देख करके जब हृदय अनर्थ से मुक्त हो जाए तभी गुरुदेव उसका सिद्ध स्वरूप प्रदान करते, बेटा तुम्हारी ये सेवा तुम्हारी ये रूप तुम्हारी ये वस्त्र ये तुम्हारी भाव को तब गुरुदेव उसको प्रदान करते, लेकिन वो जो स्थिति है ना बहुत हाई फाई स्थिति, वो कोई साधारण स्थिति नहीं बहुत उच्च स्थिति है, गुरु जी का भी स्थिति ऊंचा होनी चाहिए शिष्य का भी स्थिति ऊंचा होनी चाहिए तब भी गुरुदेव वो दे सकते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन कुछ सहजिया लोग क्या करते हैं ये चीज़ अच्छी तरह समझ लो, नहीं तो कभी कभी हम भ्रमित तो हो जाते हैं, जैसे राधा कुंड में कुछ लोग हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग इसको मठ को कुछ बहका देते हैं, बोले गुरुदेव तेरे को तो सिद्ध स्वरूप दिया ही नहीं सिद्ध नाम दिया ही नहीं हैं तुम कैसे, हाँ मैं तुमको दे दूंगा, फिर क्या करते हैं उसके उसमें बताए एकादश भाव होता है, हैं एकादश भाव है उसका एक सिद्ध नाम उसका वस्त्र उनकी परिचय होता है, वो उसको क्या करता है वो सिद्ध अवस्था में होता है लेकिन वो अपक्व अवस्था में उसको दे देते हैं, एकदम जो क्लास वन में भी एडमिशन नहीं हुआ वो पीएचडी का स्थिति है, लेकिन क्लास वन के बच्चे को अगर पीएचडी का ग्रंथ दो क्या समझेगा, कुछ नहीं समझ पाएगा, हैं उसको उसको दे देते हो ये सखी ये मंजरी ये वस्त्र ये नाम दे दिया, लेकिन इसको ना मैं गौड़ी मठ में यहाँ तक थी वो चाय भी नहीं पीते हैं गुटखा नहीं खाते हैं है? पान नहीं खाते हैं है? ये लोग तो कोई, लेकिन कुछ दिन बाद में वो तो उसका स्थिति नहीं, राधा कुंड के पास में बैठ करके कोई लीला स्मरण करेगा हम ये गोपी ये वस्त्र, लेकिन तुम अगर वो स्थिति तो है ही नहीं ना, फिर वो पर क्या देखेगा राधा कुंड में कैसे सबके सब आकर के नहा रहे हैं माताएं नहा रही हैं, वो सब चीज़ को देख देख उसका हृदय में काम की भावना प्रकट होता है, काम के हृदय में काम भाव प्रकट होता है, जो उसका स्थिति है ही नहीं, जब उसको कुछ मिलता नहीं बोले गुरुदेव तो ये सब चीज़ दिया लेकिन हम तो कुछ हो ही नहीं हृदय में तो काम वासना जाग रहा,
तुम तो काम में डूबे हुए हो, हैं, लड़कियों को देख कर हृदय में काम की वासना, ये प्रत्यक्ष चीज है, गुरुदेव सब बात बताते थे तब इस हृदय में। फिर और एक जो बाबा जी महाराज वहाँ करके होगा ना, उसके पास में जाएगा, बोले बाबा जी महाराज कुछ हो ही नहीं रहे, बोले वो जो मंत्र दिया ठीक नहीं दिया, तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं तेरे को अलग मंत्र देता हूँ। फिर उसको देखा उसका मंत्र काम नहीं किया, दूसरे के पास में गया, मतलब हमारी इस्कॉन से कुछ भक्त लोग हैं उनके साथ में सब चीज हुई, उन्होंने ये सब बात बताई थी, बोले और एक को पास में गया, गया तो बोला वो गलत दिया था, तू बात मेरे पास में तुमको अलग मंत्र दूंगा। लेकिन जब आया फिर वो अलग मंत्र दिया, उसका अलग नाम बताया, अलग सिद्ध स्वरूप बताया, अलग सेवा बताया, जब बताया फिर इसने देखा इन्हें, फिर उसका मन में कन्फ्यूज हो गया, बोले अगर ये मेरी नित्य सिद्ध स्वरूप होता तो पहले तो मेरा ये मंजरी बताया था, ये सेवा, ये वस्त्र, लेकिन ये तो पूरा पूरा नया बता रहा है, ये तो अलग बता रहा है। फिर उसको पर कन्फ्यूज होने लग जाता है। फिर देखता है हमारे तो चाय भी नहीं पीते हैं, गुटका नहीं खाते, वो लोग चाय गुटका सुपारी खाते रहते हैं, हैं बाबा जी लोग, फिर माता जियों के साथ में संबंध है भी उनको, इसलिए सब चीज को देख देख करके ना इसका मन तो इकट्ठा हो जाता, भैया मेरे को पहले ये बताया था, ये तो हमको अलग बात बता रहा है। फिर उसका मन धीरे धीरे कन्फ्यूज, बस भजन भजन माला कंडी छोड़े, बस गण गए। कितने इस्कॉन के भक्त वहाँ पर गए, दो दिन तक खूब भाव में भजन किया, अभी एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेंगे, क्यों? ये हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं। इसलिए रूपों को स्वामी रूपांजलि इसका स्थिति बताए, भले श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, स्टेप बाय स्टेप चलो, छलांग मत लगाओ, हाथ पैर टूट जाएगा तुम्हारी, हाथ पैर टूट जाएगा, हैं, टूट जाएगा हाथ पैर, इसलिए हमको धीरे 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 चलना है, हम छलांग नहीं लगानी, जा करके हमको गोपी बन गई, हमको मंजरी लड्डू मंजरी कचौड़ी मंजरी जलेबी मंजरी बन गई, दो दिन बाद में एक और एक मंजरी को ले करके, हैं, और एक दूसरे मंजरी को ले लिया, उसके साथ में फिर लीला करने लग गए, ये सब भ्रष्ट है, ये सब भजन भजन कुछ है ही नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते थे सावधान इन लोगों से, इसलिए तोता बोले यही तेरा संग नहीं करी, एक तोता राम कहते खबरदार अगर शुद्ध भक्ति पाना चाहो तो ये तेरे संग से दूर रहो, उनको साथ में कोई मित्रता मत करो, उनको साथ में कोई मित्रता नहीं है। फिर धीरे 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 तुम्हारे अंदर में भी वो गंदी चीज तुम्हारे अंदर में भी संक्रामित करेगा, वो बीमारी जैसे टीबी होता है ना, है, जैसे टीबी होता है तुम्हारे अंदर में भी संक्रामित वो रोग करेगा। इसलिए हमको ये असत संग से दूर रह करके हमें सही सही अपना साधन भजन को हमें सही सही करनी चाहिए, हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं उनको भाव होने के निकट बैठे हुए उनको सात्विक भाव को देखने लगे, जब उनके हृदय में ये सब दिव्य भावना प्रकट हो रहा था, जो सन्यास ठाकुर वहाँ पर बैठे करके गुरु जी के दिव्य भाव को अवलोकन कर रहे थे, गुरुदेव कैसे प्रेम में गदगद होकर के हरिनाम कर रहे हैं और उनके हृदय में कैसे दिव्य भावना को कैसे प्रकाशित हो रहे थे, उनको वो दर्शन कर रहे थे। फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर हम इसको कल सुनेंगे और आप लोग भी एकदम सही सही भजन साधन करें, ज़्यादा छलांग नहीं, ठीक है ना, हमको धीरे 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 हमको भक्ति जगत में धीरे धीरे हम सही शुद्ध भक्ति हमको पाने का है। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि संसार दावा नललित दास दावा नला साम संसार दाहनी दत्त जीवकुल उधर कारणी करुणा भारी द कृपा भारी दानी बंदी से गुरु चरण कमल नित गीत वादा श्रीहरि कीर्तनी रहे न मगन महामत मणि रोमांच कंपासु हाय गौर प्रेमी बंदी से गुरु चरण कमल सदा रतरी विग्रह सेवनी श्रृंगार दिया मंदिर मार्जनी करे नहीं दुख अनुगत जनी बंदी से गुरु चरण कमल चर्पचुशल पेय समय
Thank you.
Thank you.
इसको ले, ये दे दो। किस दिन इसकी लंका पहुंच पाऊंगे? किस काम में Thank you.
Oh,
Thank you.
Thank you.
राम गंगाधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय।